जब इतिहास शुरू हो रहा था तब हमारे पास कोई राजा नहीं था, हम ऐसे ही झुंड में घूम रहे थे। फिर हमने एक मुखिया चुना, फिर उसको अपग्रेड करके ज़मींदार बनाया, फिर उसको अपग्रेड करके राजा बनाया, फिर हमने एक डेमोक्रेट को चुना और डेमोक्रेट से कभी कभी काम नहीं चला तो डिक्टेटर को चुना और फिर बीच में आजकल डेमोक्टेटर है। डेमोक्टेटर वो होता है जो लगता है कि चुन के आ रहा है, हर चीज़ को ऐसे सेटअप कर देता है। जैसे हम बड़े भारी साहित्यकार हुए हैं, आप लोग सुनने आए हैं मुझे, तो डेमोक्रेटर आ गया है एक नया, तो चुनाव से चुना जाता है और बाद में जनता की वो ऐसी हालत कर देता है कि जनता को यकीन नहीं होता कि हमने इसको चुना। इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटर जो है वो तय करता अकेला कि अब आपको क्या क्या करना है। वो डिसाइड करता है नहाना कब है, खाना कब है। एक और क्यूट बात है कलयुग में, क्या है कि अगर आप बेघर हैं, वाकई में गरीब हैं, तो आपको गरीबी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, पहले मुखिया से लिखवाना पड़ता है गांव में अगर आप हैं तो, अगर शहर में हैं तो पार्षद या प्रधान से लिखवाना पड़ता है, फिर वहां से वेरीफाई कराते कराते ये आय प्रमाण पत्र और वो प्रमाण पत्र जाते जाते आपको गरीब होने का प्रमाण पत्र मिलता है और तब जाकर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है। लेकिन जब नेता अपने आप को गरीब बताता है तो पता है क्या क्या होता है, करोड़ों रुपए की रैली का आयोजन किया जाता है, फिर LED लगाया जाता है, फिर बहुत सारे पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाता है वो, कभी इस रैली में हरे रंग का, उस रैली में पीले रंग का पहन के, फिर हेलीकॉप्टर से आता है वो अपना गरीबी बताने के लिए। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो वहाँ एक और गाना बज रहा होता है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, तो आपको लगता है हम कहाँ आ गए हैं। तभी आपको दिखता है कि वो नेता जिसको अपने आप को गरीब प्रोजेक्ट करना है हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है, ऊपर से हाथ वेव कर रहा होता है, हिला रहा होता है, तो वो जब उतरता है और फिर वो मंच पे जाता है तब जाके बोलता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरी दुनिया में इससे महंगा पावर्टी सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में 50-60 करोड़, उसमें कई सारे लेवल के संपादक बैठ के रो रहे होते हैं गरीब का बेटा आ गया है, ये देखो गरीब का बेटा आया, यहाँ पर LED स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना अच्छा भाषण देता है, कपड़े देखो उसकी अच्छी है, कितना अच्छा है, ये सारा करके। ये सब क्यूट युग में ही हो सकता है जिसे हम लोग कलयुग कहते हैं, और कहीं तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना डेमोक्रेटिक स्पेस कहाँ मिलता है कि आप अमीर होने से, अंबानी जी अगर आज चाहें तो आप गरीब नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन नेता अगर चाहे, भले ही सारा पैसा किसी और के पास हो, किसी उद्योगपति के पास, तो वो उसका छोटा सा परसेंटेज खर्च करके अपने आप को गरीब बता सकता है। मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नलिज्म, छोटा सा हिस्सा है, उसमें एक भी नेता को नहीं देखा जो खुद को गरीब कहता हो, और सरकार ने गरीबों की मदद की जितनी भी योजनाएँ बनाई है उसका कोई लाभार्थी हो, एक भी नेता नहीं दिखा मुझे, या वो उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन लेता हो, या वो इंदिरा आवास योजना से उसने मकान लिया हो, ऐसा नहीं, जो बड़े स्तर पर अपने आप को गरीब कहते हैं, ये हमको दिखा नहीं आज तक। तो ये जो है, अचानक उनको याद आता है जब 15-16 साल तक वो राजनीति में रहते हैं, अचानक याद आता है, ओह माय गॉड, मैं तो गरीब का बेटा था, माँ मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, पूरा देश कहने लगता है हाँ ये गरीब का बेटा है, हाँ ये गरीब का बेटा है, बुलाओ जावेद साहब को, सलीम साहब को, ये गरीब का बेटा मिल गया, लिखे नया एक स्क्रिप्ट गरीब का बेटा मिल गया है, चलो वोट दो गरीब का बेटा मिल गया। हिंदुस्तान में आजकल आप पोस्टर फाड़ के आप हिस्टोरियन बन सकते हैं और सर फोड़ के देशभक्त, ये दो काम कर दें तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कहीं भी पोस्टर हो फाड़ दीजिए, आपके मोहल्ले का किसी का भी लगाओ फाड़ दीजिए, बोलिए गलत है, आपको तुरंत TV स्टूडियो में बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ये हमारे मोहल्ले का हिस्टोरियन है, ये कह रहा है कि इसकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई है, ये हिस्टोरियन है, और एंकर वो आ जाता है कोट पहन के, जो मैं पहना हुआ हूँ इतनी गर्मी में भी, और वो फिर वो आकर सबको बताता है कि हिस्ट्री ये डिसाइड करेगा, ये डिफाइन करेगा। तो ये कलयुग में ही हो सकता है, वो लोग जो पूरी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी के की लाइब्रेरी में पढ़ते रहे हिस्टोरियन बनने के लिए, वो बेवकूफ़ थे, वो अगर अपने मोहल्ले में 10-12 पोस्टर फाड़ चुके होते तो दुनिया भी आज उनको जान रही होती, उनको TV स्टूडियो में कम से कम बुलाया जाता। और एक और बात है कि कलयुग में बोलने का मौका मेरे जैसे लोगों को कलयुग में ही मिल सकता था, और तो कहीं चांस मिलता नहीं। यहाँ पर देखिए तो भाषणों की बाढ़ आई हुई है, पूरा एक कंट्री में सेटअप है, जैसे ये भाषण दे रहे हैं, इसी वक्त देश में अलग अलग जगहों पर कई लोग भाषण दे रहे हैं, और पूरा चैनल पर तो भाषण ही चल रहा है, चारों तरफ न्यूज़ चैनल आप जब भी खोलिए तो कोई ना कोई भाषण दे रहा होता है,
और कभी एक आदमी नहीं मिलता है तो 10 लोग आ जाते हैं, जब 10 लोग भाषण दे रहे होते हैं तो वो एक आदमी आ जाता है, सारे 10 लोग चुप हो जाते हैं, फिर वो एक आदमी का 1 घंटा भाषण चलता है, फिर उसके बाद वो 10 लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भाषण जो है, और इतना सारा 5-5 रैली में, देखिए नेताओं की खूबी देखिए कलयुग के, 5-5 रैली में भाषण देते हैं लगातार, लौट के आगे कहते हैं मन की बात करेंगे। भाई साहब किस हार्ड डिस्क में आपने इतना बचा के रखा हुआ है मुझे बताइए, मैं तो मिलना चाहता हूँ आपसे। ये इतनी सारी बात जो सुबह से आप 10 रैलियों में बोल गए, ये मन की बात के लिए कौन सी बात बचा के रखी थी आपने, कहा मुझे आज तक पता नहीं चलता है। हफ्ते में 4 भाषण 5 भाषण उसके बाद भी मन की बात, वो वाली कौन सी बात थी, वो मन की बात नहीं थी। जब मुझे कहा गया कि आपको टाइम्स लिट फेस्ट में कलयुग पे बोलना है तो पहले मैंने मना कर दिया था, सच बात यह कि मैं क्या बोलूँगा कलयुग पे। फिर मैं तैयारी करने लगा क्योंकि लगा कि ये एक चांस की बात है, अगर कलयुग पे मेरा भाषण हिट हो गया, सोच लीजिए आप लोग, अगर यहाँ का दिया हुआ भाषण अगर हिट हो गया तो मेरा आटा और बिस्कुट खूब बिकेगा। मैं सच बताता हूँ, मैं दुनिया का पहला 0 TRP एंकर हूँ, कुछ बिकी नहीं रहा है मेरा। 0 TRP एंकर दुनिया में आपको पहला मिलेगा। तो इसीलिए मैंने तैयारी की कि चलो रवीश आज तुम मेहनत कर लो, एक दिन एक भाषण की बात है, तुम्हारा आटा तेल कोई भी तेल पंसारी की दुकान से लेकर अपना नाम लगा देना और बिक जाएगा। फिर बाबा लोग धूप घी अगरबत्ती पहले से बेच भी रहे हैं तो मेरा भी एडवर्ट निकलेगा, बोइंग से उतरूंगा मुंबई एयरपोर्ट पे, एक हाथ में कुकर होगा दूसरे बगल में स्कूटर होगा, ऐड दे रहे होंगे, सरसों तेल भी मेरे नाम का होगा, अगले साल मैं स्पॉन्सर भी हो सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत चांस अपना लगाया, दिमाग लगाया कि कलयुग पे बोलना है, बेटर बी प्रिपेयर्ड, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। तो मैं कमरे में बंद हो गया, तैयारी करना शुरू किया और कलयुग को रोमांटिसाइज किया। अब हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं ये हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं कलयुग के। गीता में लिखा हुआ है क्रोध मत करो विवेक नष्ट हो जाता है, एंकरों ने समझ लिया, अरे अच्छा क्रोध करने से विवेक नष्ट हो जाता है, अब मैं चिल्लाऊंगा दिन रात बैठ के, तो वो गीता को प्रूव कर रहे हैं। हाँ गीता में तो सही लिखा हुआ है, जब मैं क्रोध करता हूँ तो विवेक नष्ट हो जाता है, फैक्ट्स नष्ट हो जाते हैं, लॉजिक नष्ट हो जाते हैं। तो हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, नाम गीता का लेते हैं लेकिन जो लिखा है उसका उल्टा करने लगते हैं। तो अगर आप हमारे न्यूज़ एंकर नहीं होते तो बताइए इस कलयुग में क्या होता, मज़ा आता आपको? पत्रकारिता के नाम पे जो कुतर्क फैलाए जा रहे हैं और आपको लगता है, वो कहता है आपको कि लीथल, लाइट स्पीड, ये सब वर्ड यूज़ करता है कि आपको एम्पावर कर रहा है, दरअसल वो आपको एम्पावर नहीं कर रहा, वो आपको आपकी सिटीजनरी से, सिटीजनशिप से, आपके नागरिकता के बोध से अलग कर रहा है। आप सिर्फ एक नंबर वाले नागरिक हैं, आप राइट्स वाले नागरिक नहीं हैं, आपका कोई राइट नहीं है। ये डिवीजन बहुत साफ साफ, जैसे पेड़ की कटाई होती है ना तो सारे तने जो है काट काट के उसको इस तरह से सीधा किया जा रहा है ताकि सबको एक सफ में खड़ा होके, एक कतार में खड़ा होके गिना जा सके। तो ये हमारे न्यूज़ चैनल वाले कर रहे हैं। तो सब चीज़, सारे सवाल सारे जवाब की एक नंबरिंग हो रही है, हर सवाल को एक ही पैटर्न में, आप कोई सवाल पूछिए 4 प्रवक्ता आ जाते, वो सवाल का जवाब नहीं देते, वो बकना शुरू कर देते हैं, वो पूरा गूगल करके लेके आएंगे और वो बताएंगे देखिए 83 में उन्होंने ऐसा किया, 93 में उन्होंने ऐसा किया। तो ये नंबरिंग है लॉजिक का, रीज़न का और क्वेश्चन का और आंसर का, कहीं कोई डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन फिर भी जनता पे आप भरोसा रखना चाहिए कि वो जानता है, जनता को पता है उसे जानती है वो कि जो ये कलयुग है वो उसका युग है। उस राजनीति की बुनियाद कहाँ से आ रही है, इतना मसाला जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 3 साल से आप देख रहे थे, कितना लाइटनिंग स्पीड से कितनी घटनाएं हो गई, अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो मारे गए लोगों की संख्या 5-10 है और मारने वालों की संख्या अगर आप भीड़ को भी जोड़ लें उसमें 5-10 उसको सपोर्ट करने वाले में तो 100-200, और किसी की अभी साबित भी नहीं हुआ कि फलाने, पहले होता था कि फलाने पार्टी के नेता ने कोई बम का सप्लाई कर दिया, पैसे का सप्लाई किया, ये सब साबित नहीं होगा क्योंकि ये अब होता नहीं है। वो जहर से आपके बच्चे को ह्यूमन बॉम्ब में बदला जा रहा है और अभी आपको लगता है कि आपकी रियलिटी से दूर किसी अलवर में, राजसमंद में, फरीदाबाद में ये घटना हो रही है,
आप इंतज़ार कीजिए, पब्लिक स्कूलों में भी ये चीज़ें होने लगेंगी। बच्चे एक दूसरे को मज़हब के नाम पर बोलने टोकने लगें तो हम पोटेंशियल अपने ही बच्चे को ह्यूमन बॉम्ब में बदल रहे हैं। तो अगर आपको किसी वैचारिक कारण से, राजनीतिक कारण से मारे जाने वालों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है तो कम से कम अपने प्रति तो आपकी हमदर्दी होनी चाहिए ना। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अपने बच्चों को आप हत्यारा बना देंगे? बताइए ना, तैयार हैं आप? तो फिर क्या देख रहे हैं आप टेलीविजन में 24 घंटा हिंदू मुस्लिम के नाम पे? क्या पागल हो जाने की हद तक आप देखेंगे? क्या तलवार बंदूक लेकर मारना शुरू करेंगे अपने ही नागरिकों के इसके नाम पे? ये तर्क कहां जाएगा कि कोई कहता है कि हम दीपिका का सर काट लेंगे, वो टीवी में बुलाया जाता है और उसके बहाने लोग हिस्ट्री की राइटिंग रीराइटिंग पर डिबेट कर रहे हैं। आपको आपके संवेदनशीलता को नंबर में बदला जा रहा है। तो अगर आपको कलयुग से प्यार है तो इस नंबर में बदलने से प्यार मत कीजिए, आप नंबर मत बनिए। कलयुग की यही खूबी है कि हर आदमी एक डिफरेंट क्रिएचर है। जो लोग इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं उनका यही इरादा है कि आपको एक नंबर में बदल दिया जाए। उपाय मैं बताता हूं, आप अपने बच्चों में कल्पनाएं पैदा कीजिए, फैंटेसी पैदा कीजिए, खुद के भीतर भी फैंटेसी पैदा कीजिए। आप महसूस करेंगे कि कितने दिनों से आपने फैंटेसाइज नहीं किया। 24 घंटा ट्विटर, व्हाट्सएप और ये टेलीविजन के चार बंदर आपको पागल बना रहे हैं। ये गोदी मीडिया जो है, ऐसे नहीं कहता हूं मैं कोई पागल नहीं हो गया हूं, अंदर से देखा है इस सिस्टम को, ये कितना खतरनाक हो रहा है। आपको एक सूचना विहीन इंफॉर्मेशन के मीडियम जो है वो आपके पास खूब है। मेरे पास भी आईफोन है, उसमें ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पॉडकास्ट है, मीडियम बहुत है, इंफॉर्मेशन एक ही तरह का है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है इलेक्शन से लेकर हर चीज का, वो दरअसल एक नंबर है। वो सब चीज को एक नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है जहां आप ह्यूमन ना रहे। ये है एंटी कलयुग। तो अगर आप कलयुग को बचाना चाहते हैं, जिसकी इतनी खूबसूरती है कि जहाज भी आपके पास होगा, प्लास्टिक सर्जरी आप ही कर सकते हैं, आशीर्वाद देने से नहीं होगा, तो वो करामात आप हासिल कर सकते हैं आज की दुनिया में। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।